झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 का पहले चरण का प्रचार कल शाम खत्म हो गया। अब कल पहले दौर में 15 जिलों की 43 सीटों के लिए मतदान कराया जाएगा। इसके साथ ही पहले चरण में उतरे सभी 683 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास की बहू पूर्णिमा दास जैसे चर्चित चेहरे भी शामिल हैं। पहले दौर में सबसे ज्यादा 6 सीटें पूर्वी सिंहभूम जिले में हैं। इसके बाद पलामू, पश्चिमी सिंहभूम और रांची जिले की 5-5 विधानसभा सीटें हैं जहां बुधवार को मतदान है। सबसे कम 1-1 सीट कोडरमा और रामगढ़ जिले की है। झारखंड चुनाव के पहले चरण में चर्चित सीटों में सरायकेला, रांची, जमशेदपुर पश्चिम, जगन्नाथपुर और जमशेदपुर पूर्व शामिल है। खास शहरों की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सरायकेला सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन झारखंड चुनाव से पहले अगस्त में बीजेपी में शामिल हो गए थे। जमशेदपुर पश्चिम में कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का सामना जेडीयू नेता सरयू राय से है। सरयू राय ने 2019 के चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुबर दास को शिकस्त दी थी। जमशेदपुर पूर्व में कांग्रेस के अजोय कुमार का मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास की बहू और भाजपा उम्मीदवार पूर्णिमा दास से है। जगन्नाथपुर में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी और भाजपा उम्मीदवार गीता कोड़ा का कांग्रेस नेता सोना राम सिंह से सामना होगा। वहीं रांची सीट पर 1996 से विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह सीपी सिंह के सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा की मौजूदा राज्यसभा सांसद महुआ मांझी हैं। कल के मतदान में जहां एनडीए में एकता दिखाई पड़ रही है तो वहीं इंडिया गठबंधन में 2 सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार अपने ही गठबंधन के खिलाफ हैं। पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान है तो इसको लेकर पार्टी वाइज किसके कितने उम्मीदवार हैं आपको पूरा समीकरण ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान है। जेएमएम की 23 सीटों पर उम्मीदवार, कांग्रेस की 17 सीटों पर उम्मीदवार हैं, आरजेडी के 5 सीटों पर उम्मीदवार हैं। आरजेडी के 2 उम्मीदवार अपने गठबंधन के खिलाफ, बीजेपी के 36 सीटों पर उम्मीदवार हैं, आजसू के 4 सीटों पर उम्मीदवार और जेडीयू के 2 सीटों पर उम्मीदवार हैं। एलजेपी रामविलास के 1 सीट पर उम्मीदवार हैं। तो क्या समीकरण कल को लेकर है वो ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने रवि कुमार ने कहा कि सभी बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 15 डिस्ट्रिक्ट में 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में पोलिंग है। इसमें सब जगह पर पोलिंग पार्टी का डिस्पैच हो चुका है। असफ नाउ आज शाम तक सभी पोलिंग पार्टी अपने अपने बूथ में पहुंच लेंगे। सिक्योरिटी अरेंजमेंट सभी बूथों पर कर लिया, ऑलरेडी दे आर इन द प्लेस। इसलिए एक पीसफुल इलेक्शन कराने के लिए, पोलिंग करने के लिए, फेस फोन के लिए सब तैयार। देखिए, इन दी एज पर द कमीशन इंस्ट्रक्शन ऑल दी नेसेसरी स्टेप्स एंड द प्रोसीजर ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज। देर इज नो नीड फॉर एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। ऑल ईच सिचुएशंस आर ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज एंड ईच सिचुएशंस आर ऑलरेडी एज पर प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड। इन द नक्सल एरिया they will act as per the SOP, they are trained and they are readily, they will do that. In the urban area, so the issues are different, they will act differently in the urban area. So the polling party, the police personnel and the security personnel, they will act as per their procedure and their manual. आज P-1 डे है और सभी 374 बूथों के लिए पोलिंग पार्टी से इकट्ठा हो गई है। अभी सामग्री और ईवीएम प्राप्त करके सेक्टर ऑफिसर्स के साथ सिक्योरली GPS टैग वाहनों में अपने अपने मतदान केंद्र पर जा रहे हैं, जहां रात्रि में वहीं पर स्टे करेंगे लोग। सुबह 5:30 बजे मॉक पोल के बाद मतदान चालू हो जाएगा। रिजर्व ईवीएम हम लोग के पास से इन केस कोई दिक्कत होती है। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की फैसिलिटी है और सभी मतदान केंद्रों में मूलभूत सुविधाएं भी हैं। पीने के पानी की व्यवस्था है, टॉयलेट की व्यवस्था है, सारी चीजें इन प्लेस है। तो आप लोग से अनुरोध है, आप अधिक से अधिक संख्या में आए और इस देश के महापर्व का हिस्सा बने। मतदान केंद्रों की तैयारी हो गई है, एक्स्ट्रा पोलिंग पर्सनल भी डिप्लॉयड है, आपकी सहायता के लिए वॉलंटियर्स डिप्लॉयड है, हर मतदान केंद्र पे गाड़ियां हैं ताकि जो लोग मतदान केंद्र आने में असमर्थ है उनको सहयोग किया जा सके। हेल्प डेस्क पे हमारे BLOs तैयार हैं। तो सारी तैयारी इन प्लेस है और मुझे उम्मीद है आप लोग अधिक संख्या में आएंगे और मतदान प्रतिशत के सारे रिकॉर्ड इस बार रांची विधानसभा में टूटेंगे।
बात करेंगे नोएडा की महा